नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 24 का चौसर। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और आज अयोध्या टू काशी बीजेपी कैसे फंसी। जी हां, दरअसल यूपी उन राज्यों में शीर्ष पर है जहां से बीजेपी को बड़ी निराशा हाथ लगी। 2019 एनडीए जहां 64 सीटें जीतने में कामयाब रहा, वहां 24 के दंगल में फिसलकर 33 पर आ गया, यानी कि सीधा सीधा 31 सीटों का नुकसान। अगर यही 31 सीटें बीजेपी को मिली 240 में, इस बार आप जोड़ दें तो यह आंकड़ा पहुंचता है 271, यानी बहुमत से मात्र एक कम। तो जाहिर है कि यूपी से मिली चोट ने बीजेपी को बड़ा घाव दिया है, जिसकी टीस गठबंधन सरकार के लिए बड़ी है। ये रामलला को फिर से टेंट में भेजना चाहते हैं। हमारे कारण राम मंदिर का निर्माण हुआ। इसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं समझता हूं अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। देश को गुमराह करने काम किया था कि भगवान राम को लाए हैं। क्या भगवान राम को क्यों लाया है? अयोध्या में राम जी का आशीर्वाद तो इंडिया गठबंधन को, हम लोगों को मिला। ना केवल अयोध्या, अगल बगल की तमाम सीटों पर करारा जवाब मिला। उत्तर प्रदेश देश का वो सूबा जहां से देश की राजनीति की पृष्ठभूमि तैयार होती है, वो राज्य जो दिल्ली की सत्ता दिलाता भी है और सत्ता हिलाने का दम भी रखता है। 2024 का चुनाव इसका साफ साफ उदाहरण है, जिसने बीजेपी के पूर्ण बहुमत का सपना चकनाचूर कर दिया। ये यूपी ही है जिसकी वजह से बीजेपी की नैया गठबंधन के भरोसे होली है। लेकिन जिस यूपी के दम पर बीजेपी 400 पार का सपना देख रही थी, भव्य राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए खुद की पीठ थपथपा रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ना राम राज्य की प्रजा का साथ मिल पाया, ना ही भगवान भोले शंकर ही काम आए। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव था। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले और आखिरी चरण की वोटिंग तक राम मंदिर की काफी चर्चा हुई। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी के तमाम बड़े नेता राम मंदिर मुद्दे का जिक्र करते नजर आए थे। बीजेपी के छोटे बड़े नेता कह रहे थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। भारत की जनता के द्वारा कहा जाता है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से राम को लाने के लिए तो राम भक्त ही आएंगे ना। राम मंदिर मुद्दे के सियासी प्रयोगशाला कहे जाने वाले यूपी में बीजेपी ने चुनावी लाभ लेने की कोशिश की, लेकिन यह मुद्दा पूरी तरह से बैकफायर कर गया। बीजेपी को उसी अयोध्या में चुनाव में हार का सामना ही नहीं करना पड़ा, बल्कि अयोध्या के आसपास की सभी सीटें बीजेपी हार गई। क्या देश के सामने क्या दिखाया गया? उंगली पकड़ के भगवान राम छोटे हैं और मोदी साहब बड़े हैं, ये देश को अच्छा नहीं लगा है। सही माने में भगवान राम को लाने वाले ये नहीं हैं, भगवान राम के नाम पे व्यापार करने वाले लोग हैं। लोगों को उजाड़ा गया, उनको परेशान किया गया है, उनको धमकियां दी गई और उसका मुआवजा नहीं दिया गया। ये तमाम कारण रहे हैं। मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ। बाबा विश्वनाथ की कृपा पर हो गई इस बार, सब पर हनुमान जी की कृपा और सरयू माँ की कृपा। राम की सियासत की राजधानी कही जाने वाली अयोध्या में बीजेपी को करारी हार मिली।
फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के मौजूदा सांसद और प्रत्याशी लल्लू सिंह को सपा के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने हरा दिया। अखिलेश यादव ने फैजाबाद सीट पर सियासी प्रयोग किया था, यह सामान्य सीट थी और दलित समाज से आने वाले अवधेश प्रसाद को उतारा और अवधेश प्रसाद ने यहां बीजेपी के लल्लू सिंह को करारी शिकस्त दे डाली। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा, उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया आपने, मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। ऐसे भी परिवार हैं जो अपनी गाय भैंस के साथ, जानवरों के साथ 100-100 साल से रह रहे थे, आपने उन्हें उजाड़ दिया। आप किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं, तो इसीलिए मैं समझता हूं अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। अयोध्या में इसी साल की शुरुआत यानी 22 जनवरी को भगवान रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में न केवल शामिल हुए बल्कि अपने हाथों से प्राण प्रतिष्ठा भी की। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसके बाद ये आरोप भी लगाए गए कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार आती है तो ये सरकारें अयोध्या में राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगी, भगवान रामलला को फिर से टेंट में भेज दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ अयोध्या ही नहीं, आसपास के 100 किलोमीटर के दायरे में अयोध्या के इस मुद्दे का और लगाए गए आरोपों का कोई भी असर देखने को नहीं मिला। यही वजह थी कि सिर्फ अयोध्या ही नहीं, आसपास के तमाम जिलों में बीजेपी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। बीजेपी अयोध्या सीट पर चुनाव हारने के साथ साथ अयोध्या मंडल में शामिल फैजाबाद, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर और अमेठी लोकसभा सीटें भी हार गई। अयोध्या में राम जी का आशीर्वाद तो इंडिया गठबंधन को हम लोगों को मिला, तो कहीं भी जो है आप देखिएगा, एक चीज तो साफ हो गया कि जो मोदी जी की बात करते थे कि मोदी फैक्टर वो खत्म हो गया। ना केवल अयोध्या, अगल बगल की तमाम सीटों पर करारा जवाब मिला। आप सुबह से शाम तक देखिए कैसे गालियां दे रहे हैं ये अयोध्या वासियों को, राम भक्तों को। तो ये खीज निकालना, अपने आप को इन तमाम महापुरुषों से ऊपर मान लेना, अपने आप को भगवान से ऊपर मान लेना, जिस राम मंदिर को आप पोल एजेंडा बना के कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर एक आदमी के पास गए कि भाई राम मंदिर ने हमने बनाया और राम का प्रतिष्ठा बीजेपी ने किया, भाई भगवान का प्रतिष्ठा एक इंसान कैसे कर सकता है। ये यही दिखाता है कि जहां पे उन्होंने राम मंदिर प्रतिष्ठा किया उसी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की हार हुई। मैं तो इतना ही कहूंगा, प्रभु राम आया तो इंसाफ आया। अयोध्या लोकसभा से सटी हुई कैसरगंज और गोंडा संसदीय सीट ही बीजेपी जीतने में सफल रही। अयोध्या में एयरपोर्ट से लेकर तमाम तरह के विकास कार्य को योगी सरकार ने कराया लेकिन सियासी असर नहीं दिखा। टिकटों का बंटवारा, जातीय गोलबंदी, यह समाजवादी पार्टी के लिए असर कर गई और भारतीय जनता पार्टी अयोध्या जिस फैजाबाद सीट में आता है वह सीट भी हार गई। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिन सांसदों का टिकट रिपीट किया था जनता के प्रति उनका व्यवहार, जनता से बेरुखी, ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नकारात्मकता का बड़ा कारण बन गई। प्रदेश की इस सबसे हॉट सीट अयोध्या में सियासी बाजी मारने के साथ इंडिया गठबंधन ने सभी आसपास की सीटें जीतने में सफल रही। एक तरफ विपक्ष अयोध्या के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से बच रहे हैं। अयोध्या में बीजेपी हार गई, फैजाबाद बीजेपी हार गई, जहां इतना बड़ा इवेंट किया था मोदी जी ने, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को नकारा है, मोदी को फेयरवेल दिया है, मोदी जी को बस हो गया। अयोध्या जी में भगवान के मंदिर बनने का इन सारे विषयों से कोई लेन देन नहीं है,
500 साल पुरानी प्रतीक्षा समाज की पूरी हुई है और ऐसे मंदिर बनाने के लिए सैकड़ों सरकारें न्यौछावर हो जाएं तो भी स्वीकार है। मसला ये है कि उत्तर प्रदेश में हमको कम सीटें मिली, महाराष्ट्र में कम सीटें मिली, इसका चिंतन किया जाएगा। तो अयोध्या मंडल की हार ऐसी है जो इतिहास के लिए एक नजीर बन गई है, जिसे याद किया जाएगा। कौन कौन सी सीटें जो है वो बीजेपी हार गई, कुल मिलाकर के अयोध्या मंडल में 5 सीटें आती हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए जीत का अंतर भी आप देख सकते हैं। फैजाबाद जो सीट है वहां से समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को उतारा था। जीत का अंतर 54,567। लल्लू सिंह, उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जब प्रधानमंत्री के आगे वो कमल का फूल ला देते हैं रोड शो के दौरान, और ये अपने आप में बड़ी जीत बड़ी हार बीजेपी के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी जीत। बाराबंकी अगली सीट तनुज पुनिया, यहां से समाजवादी कांग्रेस के टिकट पर खड़े थे, उन्होंने जीता 215,704। इतना बड़ा मार्जिन, इतने बड़े वोट बैंक के साथ वो जीते, बीजेपी को शिकस्त दिया। अंबेडकर नगर देखिए जीत का अंतर, यहां पर 1,37,247 रहा समाजवादी पार्टी से। लालजी वर्मा जीते, रितेश पांडे एक जाना पहचाना नाम, लेकिन इसके बावजूद यहां उनको हार का सामना करना पड़ा। यहां पर कैंडिडेट्स को लेकर भी बहुत ज्यादा नाराजगी देखने को मिली। एक देखिए एक सीट सुल्तानपुर, जहां पर ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती थी कि मेनका गांधी के काम से लोग खुश हैं, लेकिन ऐसा होता दिखा नहीं, नाराजगी के रूप में सामने आया, उल्टा अपनी सीट गंवा बैठी। जीत का अंतर देखिए, हालांकि 43,174 रहा इनके सामने समाजवादी पार्टी से रामभुवाल निषाद, उन्होंने इस सीट निकालने में कामयाबी हासिल की। पांचवी अप्रत्याशित हार का सामना जिनको करना पड़ा वो स्मृति ईरानी, हालांकि पहले ऐसा कहा जा रहा था कि ये संभव है क्योंकि जो किशोरी लाल शर्मा है लगातार अमेठी रायबरेली दोनों जगहों पर एक जाना पहचाना चेहरा, काम करते रहे हैं वहां के बाशिंदे तो लोग उन्हें पहचानते थे, लेकिन स्मृति ईरानी बार बार अपनी जीत का दम भर रही थी, नाकामयाब साबित हुई। अयोध्या मंडल की ये 5 सीटें और पांचों सीटें इस तरीके से बीजेपी ने इस चुनाव गंवा दी। दरअसल बीजेपी को उम्मीद थी कि राम के मुद्दे पर जनता एकमुश्त बीजेपी के पक्ष में वोट करेगी, लेकिन शायद बीजेपी के थिंक टैंकों से कुछ गलतियां हो रही हैं। वो जनता के मिजाज को भांप नहीं पाए, आखिर क्या क्या वजह है चलिए वो आपको बता दें। सबसे पहली वजह है कि जनता के बीच कैंडिडेट को लेकर नाराजगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण वजह है जातीय समीकरण। बीजेपी हिंदुत्व के जरिए जाति समीकरण की काट करती रही है, लेकिन बीजेपी की कोशिश के बावजूद भी काउंटर पोलराइजेशन नहीं हुआ और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक विपक्षी गठबंधन के पक्ष में चला गया। तीसरी वजह है कैडर का सपोर्ट कम। माना जा रहा है कि प्रत्याशियों के चयन को लेकर वहां के आम कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, जिससे प्रत्याशियों को कैडर का समर्थन कम मिला। सिर्फ अयोध्या मंडल ही नहीं बल्कि वाराणसी क्षेत्र की 12 में से 9 सीटों पर बीजेपी को करारी हार झेलनी पड़ी। मोदी मैजिक के सहारे वाराणसी क्षेत्र को साधने का बीजेपी का प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो गया और वाराणसी भदोही और गठबंधन की सीट मिर्जापुर को छोड़कर बीजेपी बाकी के 9 सीटें हार गई। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान बदलने के साथ ही आरक्षण खत्म किए जाने की एक जो अफवाह फैली थी उसको भाजपा के लोग दूर नहीं कर पाए, उस पर अपनी सफाई नीचे तक नहीं दे पाए। यह एक बड़ा कारण रहा कि नरेंद्र मोदी के इलाके में उसके इर्द गिर्द जहां उन्होंने बहुत मेहनत की, एक एक दिन में 4-4 रैलियां की, वहां भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी नहीं मिली। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मोदी मैजिक इस बार वाराणसी क्षेत्र में नहीं चला, क्योंकि खुद पीएम मोदी 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते। हालांकि वो लगातार खुद को वाराणसी का बेटा कहते रहे, वाराणसी के लिए किए काम गिनाते रहे। अब माई गंगा हमें गोद ले 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 है, बाबा विश्वनाथ का भव्य धाम, काशी रिंग रोड का प्रोजेक्ट, बनारस के रेलवे स्टेशन का विकास, गंगा घाट के विकास से रोप वे प्रोजेक्ट तक, हर योजना काशी ही नहीं पूरे पूर्वांचल के नए विकास से जोड़ ले हो। पीएम मोदी ने वाराणसी क्षेत्र में ताबड़तोड़ रैलियां की,
बीजेपी के दिग्गज नेता भी लगातार चुनावी अभियान चलाते रहे, लेकिन जनता के बीच अपनी छाप छोड़ने में नाकाम साबित हुए। आखिर क्यों वाराणसी क्षेत्र की लोकसभा सीटों पर मोदी मैजिक नहीं चला और किन किन सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, ये जानना और समझना भी जरूरी है। तो अयोध्या मंडल के अलावा दूसरा झटका वाराणसी मंडल में लगा। यहां से बहुत उम्मीदें थी बीजेपी को, लेकिन अयोध्या की तरह यहां भी बड़ा झटका। अयोध्या मंडल में राम लहर की परीक्षा थी, तो वाराणसी में तो खुद प्रधानमंत्री की साख ही अपने आप में दांव पर लगी थी। यहां कौन कौन से सीटें बीजेपी हार गई, चलिए आपको जल्दी से हम दिखा देते हैं यहां भी। और बड़ी बात तो ये कि खुद प्रधानमंत्री मात्र 1.5 लाख के वोटों से जीते हैं, जबकि पिछली बार ये मार्जिन ऑलमोस्ट 5 लाख के बराबर था। यहां देखिए जौनपुर, एक बड़ी सीट, यहां पर बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी से इन्होंने जीत, की कृपा शंकर सिंह बीजेपी से आते हैं, उनको यहां पर हार का सामना करना पड़ा। ये जो आप सीट देख रहे हैं जौनपुर की, यहां बाहुबली धनंजय सिंह ने भी अपने समर्थकों से सीधा सीधा खुलकर कहा था कृपा शंकर सिंह को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन बावजूद इसके कृपा नहीं मिल पाई जनता की। हालांकि भीतर घात भी एक वजह के रूप में यहां पर निकलकर सामने आ रही है। दूसरी सीट मछली शहर, प्रिया सरोज, सरोज वर्सेस सरोज की लड़ाई थी, जीत का अंतर देखिए 35,850। ये सीट समाजवादी पार्टी ने इस बार बीजेपी से छीनी है। हालांकि पिछली बार की भी अगर आप बात करें तो सपा बसपा के प्रत्याशी यहां पर जो थे, क्योंकि गठबंधन थी, मात्र 181 वोटों से ही यहां पर हारे थे। तो प्रदेश में सबसे कम वोटों से हार पिछली बार हुई थी। ऐसे में पहले से तय था कि माहौल बहुत ज्यादा पक्ष में है नहीं, और वैसा होता दिखा भी। 5 सालों में ये जो नाराजगी थी बीजेपी से और ज्यादा बढ़ गई, नुकसान हो गया सीट गवाने के रूप में। चंदौली देखिए, यहां पर समाजवादी पार्टी के बीरेंद्र सिंह, उनको जीत मिली, जीत का अंतर 21,565। डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे, कद्दावर चेहरा बीजेपी का, वो यहां से चुनाव हार गए। हालांकि 14-19 चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के प्रचंड लहर में जीत उन्होंने हासिल की थी, लेकिन इस बार उनके जीत पर संशय जो था वो शुरू से ही जताया जा रहा था उनके चुनाव को लेकर भी। चौथी सीट रॉबर्ट्सगंज, छोटेलाल समाजवादी पार्टी से, उनकी जीत का अंतर देखिए 1,29,234। रिंकी सिंह को, जो अपना दल की प्रत्याशी थी, उनको शिकस्त मिली है बीजेपी के टिकट पर। हालांकि एक अच्छी चीज, जो इंटरेस्टिंग चीज है फैक्टर यहां पर, वो छोटेलाल 2014 में बीजेपी के टिकट पर यहां से चुने गए थे। इस बार उन्होंने दल बदला तो फिर जनता ने भी अपना मन बदल लिया, और जो प्रत्याशी बीजेपी ने खड़ा किया, उनके सहयोगी ने खड़ा किया, उनको हार का मुंह देखना पड़ा अनुप्रिया पटेल की अपना दल से। अब गाजीपुर सीट देखिए, अफजल अंसारी बेहद महत्वपूर्ण सीट थी समाजवादी पार्टी, हालांकि इनकी जीत की जो उम्मीदें थी वो पहले से बहुत ज्यादा प्रबल थी। पारसनाथ राय इनके सामने बीजेपी के कैंडिडेट थे, जीत का अंतर 1,24,861। और कहा जा रहा था कि पारसनाथ राय एक ऐसा कैंडिडेट है जो बेहद कमजोर है, और कमजोर कैंडिडेट देकर के एक तरीके से पार्टी ने वॉकओवर देने का काम किया है। घोसी पहले भी बीजेपी के पास नहीं थी, लेकिन इस बार भी जीत का अंतर और बढ़ गया, 1,62,943। समाजवादी पार्टी ने यहां पर जीत दर्ज की। अब देखिए अगली सीट आपको दिखाते हैं लालगंज, दारोगा प्रसाद सरोज समाजवादी पार्टी से जीते, नीलम सोनकर उनको हार का सामना करना पड़ा, जीत का अंतर देखिए 1,15,023। एक इंटरेस्टिंग सीट है आजमगढ़, धर्मेंद्र यादव यहां से इस बार जीते हैं और 1,61,035 वोटों से जीते, निरहुआ हारे। 22 में उपचुनाव जीते थे, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं छड़ती, वो यहां पर साबित हुआ। बलिया एक और सीट, सनातन पांडे समाजवादी पार्टी से जीते, नीरज शेखर हारे, जीत का अंतर देखिए 43,384। तो कुल मिलाकर अगर आप एनालिसिस पर गौर करें तो हार की पटकथा जो थी वो जनता ने पहले ही लिख दी थी, प्रधानमंत्री की जीत का घटा हुआ अंतर भी यही बताता है। और इस तरह यूपी ने बीजेपी के घटते ग्राफ में एक बड़ा रोल अदा किया है।